बोले जो कोयल बागों में है, बोले जो कोयल बागों में, याद मुझे भी आने लगी अब भीगी भीगी रातों में। हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको एक फ्रेम चूज करना है, ये वाला, क्योंकि टिकटॉक पे अपलोड करना है तो आपको यही वाला फ्रेम लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक वीडियो ऐड कर लेना है जो आप टिकटॉक से डाउनलोड किए हो, वो कोई भी ट्रांजेक्शन वीडियो हो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन वीडियो आपको ऐड कर लेना है टिकटॉक से डाउनलोड करके। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ भी उस लड़के का वीडियो है जिसने टिकटॉक पर अपलोड किया था कोई भी वीडियो, जहाँ पर उस लड़के का वीडियो, उस पार्ट को आपको कट करके डिलीट कर देना है या फिर अलग कर देना है, डिलीट बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं टिकटॉक का यहाँ पे वाटरमार्क है, इसको डिलीट कर देता हूँ कट करके। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देता हूँ, वैसे ही सेम आपको सारे पार्ट कट कर लेने, मैं आपको सब नहीं कट करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, इस लेयर को आपको नीचे वाला जूम कर लेना है, यहाँ जहाँ से लड़के की वीडियो हटती है सेम उसी जगह पर आपको इसको कट कर देना है। कट करके दोस्तों यहाँ पर आपको अपना वीडियो लगाना है, तो ऐसे करके सब में कट कर लेना है। मैं कट कर लिया हूँ वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर आपको अपनी वीडियो ऐड करनी है, जो वीडियो, जो क्लिप आप यहां पे जो स्टेप लगाना चाहते हैं। तो यहां पे दोस्तों मुझे लगाना है ये वाला स्टेप, जिसमें मैं लेट रहा हूं थोड़ा सा, ये वाला स्टेप मुझे लगाना है। तो जितना स्टेप मुझे थोड़ा सा ही आपको स्टेप लेना है तो उतना मैं कट कर लेता हूं इस वीडियो को, जितना स्टेप मुझे लेना है। आपको जितना स्टेप लेना होगा आप उतना स्टेप कट कर सकते हैं, उसके बाद बाकी का पार्ट आप डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों इसका जो सब में आइडियो है ना, इसका आइडियो सबको आपको एकदम वैल्यूम कम कर देना है। इस पर लेयर पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर जाना है गैलरी में, और यही वीडियो को फिर से लेना है जो वीडियो हमने लिया था। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सबसे नीचे जाना है, यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन में यहाँ पे आपको मिलेगा इस एक्सट्रैक्ट आइडियो, आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट आइडियो पे क्लिक करेंगे तो आइडियो नीचे आ जाएगा। अगर आपका ये वाला काइन मास्टर नहीं है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कैंची का ऑप्शन है, इसमें आता है जो दूसरा काइन मास्टर है एक्सट्रैक्ट आइडियो का ऑप्शन। आप यहाँ से आइडियो अलग करके वीडियो को डिलीट कर देना है, क्योंकि आइडियो जब आप पार्ट कट करोगे तो आइडियो कट हो जाएगा ना इसके लिए, तो आपको आइडियो पहले से ऐड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट लड़के का इतना मैंने कट किया, तो इसको आपको फिर से डिलीट करके आपको अपना पार्ट यहाँ पर लगाना है। इसको बाद में भी डिलीट कर सकते हैं या तो तुरंत भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे अपना पार्ट ले लेते हैं, इस वीडियो के लड़के का पार्ट डिलीट कर देते हैं, और आपको ले यहाँ पे जूमिंग इफेक्ट, यही जूम आउट वाला रखना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये जूमिंग इफेक्ट कहाँ से आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जूमिंग इफेक्ट एकदम अच्छा बन जाएगा लड़के का पूरा। यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको क्लासिक में जाना है, और यहाँ पर जूम आउट का मिलेगा उसी पर क्लिक करना है, और यही वाला आपको अपने वीडियो में रखना है। ये वाला जो है दोस्तों बहुत ही हार्ड लगेगा, उसके बाद आपका वीडियो बन जाएगा एकदम ही झक्कास। तो सब में यही वाला कर देना है आपको, सिंपली जितने भी पार्ट आपको कट करने हैं सब में आपको जूम आउट वाला कर देना है। उसके बाद हर वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे टिकटॉक लिखा हुआ है हर वीडियो में, तो ये टिकटॉक जूम करके हर वीडियो को आपको टिकटॉक हटा देना है, हर वीडियो को जूम कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं सिंपली ये वीडियो बन चुका है एकदम ही मस्त। अभी यहाँ पर बाकी है कि आप वीडियो के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को सिंपली आपको सेव कर लेना है अपने मोबाइल में। सेव करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है, फिर से आपको एक फ्रेम चूज कर लेना है। तो वीडियो सेव हो रहा है, तो फ्रेम चूज़ करने के बाद जो वीडियो अभी आपने, दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड कलर चूज़ करना है, वही कलर चूज़ करना है जिसको आपको अपने बैकग्राउंड में बनाना है। तो आपको एक बैकग्राउंड कलर लेना है और इसको पूरा रेड कर देना है, आप कोई भी कलर यहाँ पर रख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद उस वीडियो को यहाँ पर ऐड करेंगे हम लेयर से। लेयर से ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं इस वीडियो को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, और यहाँ पर अभी क्या करना है आपको, इस वीडियो को दोस्तों आपको कट करना है। जहाँ से ट्रांजेक्शन आपने अपना वीडियो लगाया वहाँ वहाँ पे आपको कट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ से अपना वीडियो लगाया हुआ है, आधा चिड़िया दिख रहा है आधा मैं, इसी तरह आपको हर पार्ट कट कर लेना है। जहाँ जहाँ आपने अपना वीडियो लगाया हर पार्ट को आपको कट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एक और कट करके आपको दिखा देता हूँ, उसी तरह आपको पूरे वीडियो में कट कर लेना है। उसके बाद मैं पॉज करके पूरा कट कर देता हूँ, आपका टाइम बचेगा, तो आपको ये कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कट कर लिया हूँ, उसके बाद इस पर क्लिक करना है दोस्तों।
और आपको जाना है यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमा की पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इनेबल कर देना है। और इनेबल करने के बाद आपको ये की कलर जो नीचे दिख रहा है, आपका बैकग्राउंड जिस कलर में होगा की कलर आपको वही लगाना है, क्योंकि जो कलर में बैकग्राउंड होगा वही चेंज होगा। फिर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, कितना कम और कितना ज़्यादा रखना है आपको, उसी हिसाब को अपना कलर आपको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से रखना है वैसा कर सकते हैं। तो मैं इतना रखने वाला हूं और इस वीडियो को मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूं। इतना कलर रखने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो एकदम झक्कास बैकग्राउंड कलर हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों आपने जितने भी क्लिप अपने कट करके अलग किए हैं सब ने आपको क्रोमा की के सहायते से उसका बैकग्राउंड चेंज कर देना है। तो मैं एक और बैकग्राउंड आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सिंपली बैकग्राउंड एकदम ही झक्कास लगने लगा है। तो इसी तरह से आप सबका बैकग्राउंड चेंज करने के बाद वीडियो को सेव कर लेना है, बस आपका वीडियो बन चुका है एकदम झक्कास टिकटॉक पे अपलोड करने के लिए, आपका वीडियो रेडी हो जाएगा। इसका भी हम कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज, उसके बाद दिखाएंगे दोस्तों प्ले करके कि आपका वीडियो बना कैसे और आपका कलर एकदम ही झक्कास हो गया है। बस लाइक की ढेर लग जाएगी, टिकटॉक पे अपलोड कर लो, आपका वीडियो 100% वायरल होने वाला है। कोई भी ट्रांजैक्शन वीडियो आप डाउनलोड करो टिकटॉक, बस उसके बाद लगा दो, काम बन जाएगा। बोले जो कोयल